हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी संस्थान कंपटीशन विंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं विजय पटेल आज आपको छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी की सेकंड क्लास के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ये जो है हम एक सीरीज चला रहे हैं, एकाग्र सीरीज, जिसमें हम 90 दिनों पर 90 क्लासेस में जो छत्तीसगढ़ है उसको कम्प्लीट एक पैकेज के साथ आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जिसमें आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की जो क्लासेस है वो बस्तर संभाग से रिलेटेड है, जिसमें हम बस्तर संभाग के 7 जिले जो हैं उनका पूरा परिचय जानेंगे। इसके बाद हम इन जिला परिचय के बाद आगे एक एक क्लासेस में उसके जो डिटेल्स है उसको आपके तक प्रोवाइड करवाएंगे। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। बेसिकली मैंने पीएससी का 6 वर्षों का अनुभव है मुझे, और मैंने इसमें 4 इंटरव्यू दिया है, और ये 5वां जो है अभी इसका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है। इसके बाद आज हम जो बस्तर संभाग चालू करेंगे दोस्तों, तो उसमें मैं आपको बस्तर के बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बस्तर जो है हमारा जो दक्षिणतम भाग है, इसके लिए मैंने सुरेंद्र दुबे जी जो हमारे पद्मश्री हैं उनकी एक कविता आपके सामने बोलना चाहूँगा। मैं खामोश बस्तर हूँ लेकिन आज बोल रहा हूँ, अपना एक एक जख्म खोल रहा हूँ। मैं उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा से टकराता हूँ लेकिन कभी नहीं घबराता हूँ। दरिंदे सीमा पार करके मेरी छाती पर आते हैं लेकिन महुआ नहीं, लहू पीकर जाते हैं। मैं खामोश बस्तर हूँ भाई साहब लेकिन बोल रहा हूँ, अपना एक एक जख्म खोल रहा हूँ। आज़ादी के लिए मैंने गुंडा धुर को जन्म दिया था। इंद्रावती का पानी तो भगवान राम ने भी पिया था। इंद्रावती का पानी तो भगवान राम ने भी पिया था। भोले आदिवासी तो धनुष बाण चलाना जानते थे, विदेशी हथियार कहाँ उनकी समझ में भी आते थे। ये विकास की कैसी रेखा खींच गई, मेरी छाती पे लैंड माइंस बीज गई। मैं खामोश बस्तर हूँ भाई साहब लेकिन आज बोल रहा हूँ। इस कविता के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बस्तर जब हम पढ़ रहे हैं तो उसको एक फील के साथ पढ़ें। बस्तर को हम देखते हैं कि हम जहाँ भी जाएं, भारत में जाएं, तो उसको एक नक्सल के नाम से जाना जाता है, लेकिन बस्तर की जो खूबसूरती है आज मैं उसको आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। इसीलिए इस कविता को एक भाव के साथ समझें और हमारे साथ जो बस्तर है उसका पूरा डिटेल के साथ पढ़ें। अब अगले स्लाइड में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बस्तर है वो बेसिकली आदिवासियों की भूमि है, वन संपदा से समृद्ध है, छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम भाग है, माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त है यहाँ। इसके अतिरिक्त तीरथगढ़, चित्रकूट की सुंदरता है, इंद्रावती कांगेर घाटी की रोचकता है, वन भैंसा और पहाड़ी मैना जो हमारे राज्य के वन राजकीय पशु और राजकीय पक्षी हैं उनका निवास स्थलीय है, जहाँ गोंचा पर्वत से लेकर लोकमड़ई तक की जो एक विशिष्ट संस्कृति है वो रची बसी हुई है। और इसमें एक फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो इसका नामकरण पड़ा है बस्तर का, वो जो पड़ा है वो एक तो है कि बांस के नीचे, बेसिकली बांस की भूमि रही बस्तर, उसको देखते हुए इसे बांस तर नीचे के नाम से इसे बस्तर कहा गया। और दूसरा जो किंवदंती प्रचलित है, हम जानते हैं कि काकतीय शासकों की जो कुल देवी रही है दंतेश्वरी माता, उनको उन्होंने काकतीय शासकों को एक आशीर्वाद दिया था जिसमें कहा था कि मैं जहाँ तक जाऊँगी, मेरा वस्त्र जहाँ तक फैलेगा, उस क्षेत्र में को बस्तर कहा जाएगा, उस क्षेत्र में काकतीय वंश का शासन होगा। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं, और ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसको हम मेंस या फिर मेंस के एसे या फिर अपना जो संस्कृति वाला पार्ट है उसमें आप इसको डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे आपको जो वैल्यू एडिशन होगा और नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। इसके अतिरिक्त दो चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो बस्तर क्षेत्र है उसको त्रेता युग में दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। दंडकारण्य में जहाँ राम भगवान ने अपने वनवास के कुछ वर्ष गुजारे हैं, तो याद रखना है त्रेता युग जो है राम भगवान का काल था, इसमें इसको दंडकारण्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। वहीं द्वापर युग के बारे में देखते हैं तो वो कांतर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यह जो है द्वापर युग जो है वो महाभारत काल से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें हमको देखनी है कि बांस तर के नीचे बस्तर, दंतेश्वरी माता के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का नाम पड़ा बस्तर, वहीं त्रेता युग में दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, और द्वापर युग में कांतार क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, इस स्लाइड में हम देखते हैं दोस्तों जो बस्तर का जो क्षेत्र रहा है उसमें किस किस वंशों का शासन, किस किस राजवंशों का शासन किन किन वर्षों में रहा है ये देखते हैं। सबसे पहले जो ज्ञात स्रोतों से हमें पता चलता है उसमें नल वंश का शासन सबसे पहले रहा है, उसके बाद नल वंश को विस्थापित करके छिंदक नागवंशियों ने शासन किया था। उसके बाद हम देखते हैं जो मध्यकालीन से चालू होकर आधुनिक तक, आज़ादी तक जो शासन रहा है वो काकतीय वंश का शासन रहा है। तो ये तीनों चीज़ों को देखते हैं अपन, नल वंश, छिंदक नागवंश और काकतीय वंश। नल वंश ने शासक किया था 5वीं से 12वीं ईस्वी तक। उसके बाद जो है 1023 से 1324 तक छिंदक नागवंशी शासकों ने शासन किया था। उसके बाद देखते हैं हम 1324 से 1947 तक जो है काकतीय राजवंश का शासन रहा, जो कि सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश रहा है।
तो इन तीनों राजवंशों को हम हिस्ट्री वाले चैप्टर में इनके जो जो राजा रहे हैं, इनके जो कार्य हैं, स्थापत्य हैं, इस सब चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे जो आगे वाले वीडियोस में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं बस्तर संभाग जो है वो कैसे बना, उसके जिले कब कब गठन हुए, उसके कौन कौन से जिले हैं, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। वहीं सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बस्तर संभाग है वो आज़ादी के बाद 1947 में जैसे ही हमारा बस्तर भारत आज़ाद हुआ तो उसके साथ ही जो सबसे पहला जिला बना था वो बस्तर जिला बना 1948 में। 1948 में जब जिला बना तो इसके बाद 1981 में, यहाँ एक फैक्ट छूटा हुआ है, 1981 में याद रखना है, 1981 हमको याद रखना है कि बस्तर संभाग बनाया गया 1981 में। सबसे पहले बना बस्तर संभाग 1981 में। उसके बाद जो जिले बने उसमें बस्तर सबसे पहले जिला बना 1948 में। उसके बाद 1998 में राज्य गठन से पहले, राज्य के गठन से पहले अपने को दो जिले बनाए गए, जो दंतेवाड़ा था जिसको दक्षिण बस्तर कहा जाता है, दक्षिण बस्तर, वहीं कांकेर को उत्तर बस्तर कहा जाता है। ये दो चीजें अपने को याद रखनी है, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा और उत्तर बस्तर कांकेर, जिनको 1998 में बनाया गया। तो 1998 में दो जिले बने, उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। वहीं देखते हैं हम 2007 में पुनः नवीन जिलों की स्थापना की गई, जिसमें दो जिले बनाए गए, एक नारायणपुर और एक बीजापुर। बीजापुर जो है वो दंतेवाड़ा से पृथक करके बनाया गया, वहीं नारायणपुर को बस्तर से पृथक करके नवीन जिला बनाया गया। तो ये दो चीज़ें अपने को याद रखनी है, नारायणपुर जो है 2007 में बस्तर से अलग होकर जिला बना, बीजापुर जो है वो दंतेवाड़ा से अलग होकर जिला बना। वहीं हम देखते हैं 2012 में नौ नवीन जिले राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए, जिसमें बस्तर संभाग में दो जिले बनाए गए, सुकमा जिला बनाया गया दंतेवाड़ा को पृथक करके सुकमा जिला बनाया गया। वहीं कोंडागांव जिले का जो बनाया गया था वो बस्तर के उत्तरी भाग को पृथक करके बनाया गया था। तो अपने को याद रखना है कि जो जो जिले हैं उनके मातृ जिले कौन कौन से हैं और कौन कौन से ईयर में इनको बनाया गया, तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो जिले हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं कांकेर जिला है जो बस्तर संभाग का उत्तरी भाग है, जिसको उत्तरी बस्तर भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कोंडागांव जिला जो 2012 में बस्तर से पृथक करके बनाया गया। इसके बाद बस्तर जिला है जो 1948 में बना था। इसके अलावा उसके नीचे देखते हैं हम दक्षिण बस्तर जो 1998 में बना था, जिसे दंतेवाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो ये दंतेवाड़ा जो जिला है 1998 में बस्तर से बना था। इसके बाद सुकमा जो नवीनतम जिला है 2012 में बनाया गया था। वहीं बीजापुर जो है वो 2007 में बनाया गया था। इसके अलावा नारायणपुर भी 2007 में बीजापुर के साथ नवीन जिला बनाया गया था। तो ये चीज़ें याद रखनी है, 1998 में कांकेर और दंतेवाड़ा को दो जिले बनाया गया था, कोंडागांव 2012 में सुकमा के साथ जिला बना, वहीं 2007 में नारायणपुर और बीजापुर जिले बने। तो ये कंप्लीट जो है बस्तर संभाग का हम लेआउट देखते हैं। इसके बाद हम एक एक जिले को ब्रीफ से डिस्क्राइब करेंगे, तो मैं इसमें नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो कांकेर जिला, हम बेसिकली देखते हैं कि जो NH-30 है जो MP के अनूपपुर से आती है, NH-30 नेशनल हाईवे नंबर 30, ये देखते हैं अपन अनूपपुर MP से आती है, कवर्धा से होते हुए बेमेतरा से सिमगा बलौदा बाजार के सिमगा जगह से, ये रायपुर से होते हुए धमतरी के बाद जैसे ही कांकेर में चारामा के पास प्रवेश करती है, तो सबसे पहले स्थल याद रखना है अपने को NH-30 में चारामा, जो एक तहसील है। इसके बाद कांकेर के बाद जो केशकाल घाटी पड़ती है उसको क्रॉस करके ये कोंडागांव में प्रवेश करती है। तो अपने को नेशनल हाईवे नंबर 30 याद रखना है जो कांकेर से गुजरती है, जिसमें चारामा और कांकेर जो जिला मुख्यालय है ये दो तहसील हैं। इसके जस्ट बाजू में है नरहरपुर तहसील। तो ये तीन तहसील अपने को याद रखना है, चारामा, कांकेर और नरहरपुर तहसील। नरहरपुर जो है वो राइट साइड में है NH-30 के, और जो चारामा है और कांकेर है वो लगा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं स्टेट हाईवे नंबर 7 में, इसमें अपन दो तहसील देखते हैं, एक भानुप्रतापपुर है और एक अंतागढ़। भानुप्रतापपुर जानते ही होंगे कि जो सोमवंशी शासक थे, जिन्होंने कांकेर में जिन्होंने शासन किया था, उसके एक शासक थे भानुप्रताप देव, उनके नाम पर ये तहसील बनाया गया है जिसको भानुप्रतापपुर कहा जाता है। और वर्तमान में अभी जो हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष हैं उनका निर्वाचन क्षेत्र भी भानुप्रतापपुर है। इसके अलावा हम सुदूर क्षेत्र में देखते हैं तो दो जगह हमको याद रखना है, एक दूर कोंदुल है और एक कोयलीबेड़ा है। दूर कोंदुल और कोयलीबेड़ा, ये दो तहसील याद रखना है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स अपने को याद रखना है, यहाँ एक पखांजूर क्षेत्र है, पखांजूर और एक याद रखना है परलकोट
परल कोट के बारे में आप जानते ही होंगे कि परल कोट जो है 1885 में गेंद सिंह, जो गेंद सिंह यहाँ के जमींदार हुआ करते थे, उनके द्वारा विदेशी शासन के खिलाफ एक संघर्ष किया गया था, जिन्हें बस्तर का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। परल कोट से थे गेंद सिंह, तो ये याद रखना है परल कोट। परल कोट जो जगह है वहाँ पर जो कोटरी नदी बहती है उसको परल कोट नदी के नाम से जाना जाता है। कोटरी नदी बेसिकली कांकेर से बहते हुए जाती है और ये इंद्रावती की सहायक नदी है, तो अपने को याद रखना है कि कोटरी नदी यहाँ बहती है, परल कोट नदी यहाँ बहती है। पखांजूर क्षेत्र इसलिए याद करना है दोस्तों, जब 1971 में भारत और बांग्लादेश का बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए भारत ने पाकिस्तान से जो ये युद्ध लड़ा था उसके तहत कुछ बांग्लादेशियों को शरणार्थी के रूप में पखांजूर क्षेत्र में बसाया गया था। तो पखांजूर क्षेत्र को अपने को याद रखना है बांग्लादेशी शरणार्थियों के नाम से, परल कोट को अपने को याद रखना है वीर गेंद सिंह के नाम से। तो ये जगह दो दो चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अतिरिक्त मैं कुछ चीज़ें और आपको बताना चाहूँगा कि जो पहाड़ी क्षेत्र है कांकेर में, उसमें आपको देखना है कि आरी डोंगरी जो पहाड़ है वो गड़िया पहाड़, स्पेशली याद रखना है आपको कि गड़िया फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये PSC 2019 में प्री में इसको एक क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया था, तो ये याद रखना है। वहीं रावघाट पहाड़ी आजकल काफ़ी चर्चा में है क्योंकि यहाँ जो अपना BSP है, भिलाई स्टील प्लांट है, उसका नया आयरन ओर का माइंस यहाँ अलॉट किया गया है, आयरन ओर का माइंस, तो ये याद रखना है। रावघाट पहाड़ी जो है कांकेर में है। हाँ, मलाज कुंडम पहाड़ी अपने को इसलिए याद रखना है क्योंकि मलाज कुंडम पहाड़ी से निकलती है दूध नदी। दूध नदी जो है मलाज कुंडम पहाड़ी से निकलती है, मलाज कुंडम पहाड़ी से निकलते हुए ये महानदी में विसर्जित होती है और इसी में है मलाज कुंडम जलप्रपात, और दूध नदी के किनारे ही स्थित है अपना कांकेर शहर। तो ये कुछ फैक्ट्स जो हैं आपको याद रखने हैं, आरी डोंगरी, गड़िया पहाड़, रावघाट पहाड़ और मलाज कुंडम। मलाज कुंडम पहाड़ से निकलती है दूध नदी जो मलाज कुंडम जलप्रपात भी बनाती है। दूध नदी के तट पर कांकेर शहर स्थित है और दूध नदी और महानदी जहाँ मिलती है वहीं पर दुधावा जलाशय बनाया गया है 1962 में। तो ये भी कांकेर में स्थित है दुधावा जलाशय, दुधावा जलाशय। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कांकेर में कौन कौन से आयरन मतलब खनिज मिलते हैं। तो खनिज बेसिकली लोह अयस्क सबसे ज़्यादा मिलते हैं। लोह अयस्क में आपको रावघाट पहाड़ी के बारे में आपको बताया, इसके अलावा जो है चारामा है, मेटा बोदली है, चार गाँव है, ये जो सारे जगह हैं ये कहीं ना कहीं आयरन ओर्स के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें PSC में आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आयरन ओर्स कांकेर के किस जगह में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, तो आपने को शॉर्ट लिस्ट करके रखना है कि रावघाट, चारामा, मेटा बोदली, चार गांव। इसके अलावा और भी जब हम खनिज वाले पार्ट में पढ़ेंगे तो उसमें इसमें और डिटेल से पढ़ाया जाएगा। बस आपको याद रखना है कि कांकेर जो जिला है उसमें खनिज में लौह अयस्क पाया जाता है इन क्षेत्रों में। इसके अलावा हम देखते हैं सोना, कांकेर में सोना भी पाया जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जिसमें जो जगह है वो सोनदेई और मिजगांव है, दो जगह याद रखना है जहाँ पर सोना पाया जाता है। इसके अलावा बॉक्साइट भी अल्प मात्रा में पाया जाता है, अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है। जो केशकाल घाटी है उसका जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है जो कांकेर क्षेत्र में आता है वहाँ पर पाया जाता है बॉक्साइट। इसके अलावा ग्रेनाइट के लिए दो जगह याद रखने हैं अपने को, कन्हारपुरी और नरहरपुर। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे लोह अयस्क पाए जाते हैं, बॉक्साइट पाया जाता है, सोना पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया जाता है। तो ये खनिज के तौर पर याद रखना है कि कांकेर में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कांकेर में दूध नदी के बारे में मैंने आपको बताया ही था, कोटरी नदी जिसको परल कोट नदी भी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कुछ वाटरफॉल हैं जैसे चर्रे मर्रे वाटरफॉल, ये आप देख रहे हैं ये जो फोटो है वो चर्रे मर्रे वाटरफॉल का है, काफ़ी अच्छा जगह है और याद रखना है कि ये कांकेर में स्थित है। इसके अलावा मलाज कुंडम जलप्रपात अपन याद किए थे, मलाज कुंडम पहाड़ी से जो दूध नदी निकलती है उसमें मलाज कुंडम जलप्रपात है। इसके अलावा परल कोट जो नदी है उसमें परल कोट जलप्रपात है। तो अपने को तीन वाटरफॉल याद रखने हैं, जलप्रपात याद रखने हैं, चर्रे मर्रे जलप्रपात, मलाज कुंडम जलप्रपात और परल कोट जलप्रपात। इसके अलावा दो जलाशय हैं, एक जलाशय अपन दुधावा जलाशय देखे थे जो 1962 में बनाया गया था, 1962 में दुधावा जलाशय बनाया गया था जो महानदी पर स्थित है। इसके अलावा खेरखेट्टा जलाशय याद रखना है जो मथौली नदी पर स्थित है, और मायना जो जलाशय है वो नैनी नदी पर स्थित है। ये दो चीज़ें अपने को याद रखनी है। इसके अलावा अभी हम लेटेस्ट में कुछ अपडेट्स में देखते हैं कि जैसे शैल चित्र के तौर पर कुछ जगह कांकेर में सर्च किए गए हैं, जैसे गौरा गौरी, उड़कुड़ा, खेरखेड़ा, कुलगांव और कन्हार गांव। ये चीज़ें याद रखनी है अपने को कि शैल चित्र क्या होते हैं दोस्तों। शैल चित्र बेसिकली जो पाषाणकालीन अपने जो पुराने पूर्वज रहे हैं वो अपने मनोरंजन के लिए कुछ पहाड़ों या फिर गुफाओं में कुछ चित्रकारी करते थे,
और वो चित्रकारी ऐसी थी कि आज तक अमिट है। कुछ ऐसे फॉर्मूलेस वो यूज़ करते थे जो आज तक नहीं मिटे हैं। तो याद रखना है कि जो शैल चित्र हैं वो कहाँ मिले हैं, कांकेर में, गौरा गौरी, उड़पुड़ा, खेरखेड़ा, कुलगांव और कन्हार गांव। ये चीज़ें अपने को इंपॉर्टेंट रूप से याद रखनी है, ये चाहे प्रीलिम्स के फैक्ट हो या फिर मेंस के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन से फॉर्म हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कांकेर में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन स्थल में आप दो विशेष तौर पर याद रखना है, आपको दो मेला याद रखना है। एक गड़िया पहाड़ अपन देखे थे, तो गड़िया पहाड़ महोत्सव कब होता है? सितंबर माह में आयोजित किया जाता है। गड़िया पहाड़ महोत्सव कब आयोजित किया जाता है? सितंबर माह में आयोजित किया जाता है। तो ये अपने को याद रखना है। दूसरा अपने को याद रखना है गढ़वासला चैतराई मेला, जो अभी कुछ दिन पहले ही आयोजित किया गया था मार्च के महीने में। और ये कहाँ आयोजित किया था? कीलागढ़ देवी के मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो ये एक फैक्ट आपको याद रखना है कि ये कहाँ याद कर मनाया जाता है। गढ़वासला चैतराई मेला जो है कीलागढ़ देवी में मार्च के महीने में मनाया जाता है। जिला कौन सा है? कांकेर। ये सारे PDFs आपको अवेलेबल हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, तो आप अपना हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप बस अभी फोकस कीजिएगी रटने में कि कहाँ कहाँ कौन सा चीज़ें लोकेटेड हैं। इसको हम बार बार रिपीट करेंगे अलग अलग कोर्सेज में, पर्यटन में अलग पढ़ेंगे, शैल चित्र में अलग पढ़ेंगे, जलाशय में अलग पढ़ेंगे। बस यहाँ हमको ये याद रखना है कि बेसिकली लेआउट कहाँ पर है, कौन सा चीज़ें कहाँ है, एक रिमाइंड में रहेंगी तो आगे हमको पढ़ने में आसानी होगी। इसके अलावा हम देखते हैं सोनई और रुपई। सोनई और रुपई दो तालाब हैं। एक किंवदंती प्रचलित है कि जो कांकेर के राजा हुआ करते थे उनकी दो लड़कियां थीं, उनके नाम पर उन्होंने गड़िया पहाड़ पे दो तालाब बनवाए जिसका नाम दिया था उन्होंने सोनई और रुपई तालाब, जिसे राजा की दो बेटियों के नाम से। तो ये याद रखना है सोनई और रुपई तालाब कहाँ है? कांकेर में स्थित है। तो ये दो जगह याद करना। इसके अलावा भी हम कुछ दिन पहले देखे थे कि मूड़ पार्क नाम से एक प्राचीन दुर्लभ प्रतिभाएं प्राप्त हुई हैं। मूड़ पार्क जो जगह है जो कांकेर में स्थित है, वहाँ से कुछ दुर्लभ प्रतिमाएं, जो पुरातात्विक प्रतिमाएं हैं, वो प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा गाड़ा डमरू क्षेत्र है जहाँ जोगी गुफा, गढ़माड़िया देव ये सब स्थित है। नथिया नामा गाँव जो है वो ट्राइबल सर्किट के तहत शामिल किया गया है। जो ट्राइबल सर्किट है दोस्तों, ट्राइबल विशेषली ट्राइबल क्षेत्र को विकसित करने, वहाँ स्टे करने, पर्यटन को विकास करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ट्राइबल सर्किट बनाया गया था, जहाँ नथिया नावा गांव में एक सर्किट बनाया गया है। तो याद रखना नथिया नावा गांव कहाँ है, कांकेर में, क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, वो वहाँ पर ट्राइबल सर्किट बना हुआ है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो कुछ फैक्ट्स देखते हैं हम कि कांकेर का जो वन परियोजना मंडल है वो अंतागढ़ भानुप्रतापपुर क्षेत्र में आता है। होम हर्बल गार्डन जो है भानुप्रतापपुर और कांकेर में बनाया गया है। ये शुद्ध नहीं है दोस्तों, ये शहद है, ये याद रखना है, ये शहद है। जो शहद प्रसंस्करण केंद्र है वो कहाँ बनाया गया है? भानुप्रतापपुर। तो अपने को बेसिकली याद करना है कि वन परियोजना मंडल भानुप्रतापपुर, होम हर्बल गार्डन भानुप्रतापपुर और कांकेर, शहद प्रसंस्करण केंद्र भानुप्रतापपुर, वन विद्यालय भानुप्रतापपुर और औद्योगिक पार्क जो अभी नया बनाया गया है IIDC के द्वारा, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर के द्वारा, वो लखनपुरी में स्थित है। तो अपने को याद रखना है कि वन परियोजना मंडल कांकेर की कहाँ है? भानुप्रतापपुर में। होम हर्बल गार्डन कहाँ है? दो है, भानुप्रतापपुर और कांकेर। शहद प्रसंस्करण केंद्र कहाँ है? भानुप्रतापपुर में। वन विद्यालय कहाँ है? भानुप्रतापपुर में। औद्योगिक पार्क कहाँ है? लखनपुरी में। इसके अलावा एक और फैक्ट आपको देना चाहूँगा कि अभी लेटेस्ट में राज्य सरकार के द्वारा हर्रा जो है हर्बल प्रोडक्ट है जिसका प्रसंस्करण केंद्र कांकेर के इच्छापुर में स्थापित किया जा रहा है। तो ये एक फैक्ट याद रखना है अपने को कि हर्रा प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, इच्छापुर जो जगह है वो कहाँ है? कांकेर में स्थित है। तो ये अपने को याद रखना है कि कांकेर में स्थित है। और एक फोटो के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये गड़िया पहाड़ है। हम आजकल PSC की तैयारी करने वाले काफ़ी देखते हैं कि गड़िया पहाड़ हर जगह आपको सुनने को आता है। तो ये आज आप देख लीजिए कि गड़िया पहाड़ कैसा है और एक चर्रे मर्रे जलप्रपात है। तो इतना फैक्ट जो है वो कांकेर के लिए आपको याद रखना है। ये बार बार ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये चीज़ें भूल रहे हैं, हम बार बार इसको रिमाइंड करें, बार बार पढ़ें। और जब हम आगे जाकर अलग अलग वीडियोस बनाएंगे पर्यटन के लिए, कृषि के लिए, जल संसाधन के लिए, तो उसमें हम तुरंत इसको रिमाइंड कर पाएं कि हम इसको पहले से पढ़ चुके हैं। इसलिए मेरा ये बताने का आशय था कि मैप के माध्यम से आपको सारी चीज़ें एक जगह इंटीग्रेटेड तौर पर बताया जा रहा है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम देखेंगे कोंडागांव जिले को। कोंडागांव जिला जो है 2012 में बस्तर से पृथक करके नवीन जिला बनाया गया था। तो ये फैक्ट याद रखना है कि बस्तर से पृथक करके बनाया गया था। इसका जो जिला मुख्यालय है वो कोंडागांव है। इसमें जो है 5 तहसील विद्यमान है, केशकाल, कोंडागांव, फरसगांव, माकड़ी और बलीराजपुर। तो इसको हम मैप के द्वारा देखते हैं। अपन जैसे ही नेशनल हाईवे नंबर 30 में कांकेर से जैसे ही अपन आगे निकलते हैं,
केश काल की घाटी पड़ती है, केश काल की घाटी, केश काल की घाटी जो अपने 12 शानदार मोड़ों के लिए, शानदार भी बोल सकते हैं और इसको आप खतरनाक भी बोल सकते हैं, है ना। जरूर इसका एक बार एक्सपीरियंस आप लोग लें। ये 12 जो मोड़ हैं उसको जैसे ही हम क्रॉस करते हैं, वहाँ पर एक तेली माता का मंदिर है, केशकाल घाटी में काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, मान्यता है कि वहाँ आप कोई भी मन्नतें मांगते हैं तो वो पूरी होती है ना। तो ये याद रखें, तेली माता का मंदिर है। टाटा मारी जो है वहाँ पर अभी एक व्यू पॉइंट बनाया गया है जहाँ से आप केशकाल की पूरी सुंदरता को देख सकते हैं। तो याद रखना है, टाटा मारी, तेली माता का मंदिर, केशकाल के 12 खतरनाक मोड़। जैसे ही हम केशकाल की घाटी को क्रॉस करते हैं तो अपने को सबसे पहले पड़ता है केशकाल। केशकाल जो है एक स्थल भी है और कोंडागांव में स्थित है और एक तहसील है। तो याद रखना है केशकाल। केशकाल के बाद अपन देखते हैं फरसगांव। केशकाल के बाद अपन देखते हैं, ये अपन केशकाल देखते हैं, उसके बाद देखते हैं फरसगांव, फरसगांव, उसके बाद देखते हैं कोंडागांव। ये तीन जो तहसील हैं वो NH-30 पर स्थित हैं। NH-30 में ही हम रायपुर से चल रहे थे, रायपुर से धमतरी गए, धमतरी से कांकेर गए, कांकेर के बाद हम कोंडागांव पहुंचे। तो कोंडागांव में सबसे पहले पड़ा केशकाल, केशकाल के बाद पड़ा फरसगांव, फरसगांव के बाद पड़ा कोंडागांव। और दो सुदूर तहसील याद रखने अपने को, एक है माकड़ी और एक है बड़े राजपुर। तो ये पांच तहसील बेसिकली कोंडागांव में स्थित हैं। तो ये पांचों तहसील को आपको याद रखना है, केशकाल की घाटी याद रखनी है, तेली माता का मंदिर याद रखना है, टाटा मारी व्यू पॉइंट याद रखना है आपको। और उसके बाद हम देखते हैं फरसगांव। जैसे ही केशकाल क्रॉस करते हैं तो NH-30 पर स्थित है फरसगांव, एक तहसील है, लेकिन ये प्रसिद्ध है अपने मड़ई के लिए, फागुन मड़ई के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो अपने को याद रखना है कि फागुन मड़ई कहाँ आयोजित किया जाता है, कहाँ काफी प्रसिद्ध है, आयोजित तो पूरे बस्तर में किया जाता है लेकिन काफी प्रसिद्ध है अपना फरसगांव का मड़ई। इसके बाद हम जैसे ही जाते हैं आगे तो अपने को पड़ता है कोंडागांव, जो कि जिला मुख्यालय भी है और ये शिल्प ग्राम के नाम से जानाता है। ये याद रखना है कि जो कोंडागांव है वो शिल्प ग्राम के नाम से जानाता है। शिल्प ग्राम, यहाँ पर डोगरा और घड़वा कला शैली जो बस्तर की स्पेशल बेल मेटल से बनाई जाती है, जिसके बारे में आपको आर्ट एंड कल्चर के वीडियो में हमारे मनोज सर ने बताया है, तो उसको आप जरूर देखें। और इसमें देखें कि शिल्प ग्राम, शिल्प ग्राम जो है कोंडागांव है, जिला मुख्यालय है। और एक चीज़ याद रखना है, अभी राज्य सरकार ने हाल ही में मक्का के क्षेत्र में कोंडागांव के विशेष योगदान, जो बढ़ते उत्पादन है उसको देखते हुए मक्का प्रोसेसिंग यूनिट, मक्का प्रोसेसिंग यूनिट, मक्का प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कोंडागांव में लगाने का घोषणा किया। तो याद रखना है मक्का प्रोसेसिंग यूनिट याद रखना है, शिल्प ग्राम याद रखना है, कोंडागांव जो है वो जिला मुख्यालय है ये याद रखना है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जो खनिज है, खनिज देखेंगे तो अपन देखते हैं कि यहाँ जो कोंडागांव में मुख्यतः बॉक्साइट पाया जाता है, अल्प मात्रा में पाया जाता है लेकिन यहाँ बॉक्साइट पाया जाता है, ये याद रखना है अपने को। केशकाल वाला जो क्षेत्र है वहाँ बॉक्साइट पाया जाता है। इसके अलावा कुछ शैल चित्र, जैसे हम कांकेर में देखे थे वैसे ही शैल चित्र यहाँ भी अपने को प्राप्त हुए हैं, लिंग दरहा, लहू छाता, लयात मुट्टा, मुत्ते खड़का, ये जो है वो शैल चित्र हैं, ये अपने को याद रखना है। लिंग दरहा, लहू छाता, लयात मुट्टा और मुत्ते खड़का, तो ये शैल चित्रों को अपने को याद रखना है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स जो हैं वो हम देख लेते हैं, जैसे कि कोपाबेड़ा जो क्षेत्र है वहाँ नारियल विकास बोर्ड की स्थापना की जा रही है। नारियल विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की जा रही है, कोंडागांव के कोपाबेड़ा क्षेत्र में स्थापित की जा रही है। इसके अलावा आलोर में लिंगेश्वरी माता का मंदिर है, टाटामारी में अपन देख ही चुके थे व्यू पॉइंट है, साथ ही वहाँ महालक्ष्मी शक्तिपीठ की स्थापना की जा रही है, मक्का प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई है अपन देख रहे हैं कोंडागांव में। इसके अलावा कोंडागांव को शिल्प ग्राम, घड़वा शिल्प के नाम से जाना जाता है। जटायु शिला एक याद रखना है, जो जगह है वो रामकालीन स्थल के दूर पर जो 75 चिन्हांकित क्षेत्र है उसमें एक है, वो कहाँ स्थित है बोलने से, कोंडागांव में स्थित है। तो ये आप देखते हैं कि कोंडागांव में अपन पांच तहसील, बॉक्साइट खनिज पाया जाता है, इसके अलावा शैल चित्र जो है वो चार स्थल हैं शैल चित्र के, कोपाबेड़ा क्षेत्र याद रखना है, आलोर क्षेत्र याद रखना है, टाटामारी याद रखना है, केशकाल याद रखना है, मक्का प्रोसेसिंग यूनिट याद रखना है, इसके अलावा शिल्प ग्राम को याद रखना है अपने को, जटायु शिला को याद रखना है। और जो एक फैक्ट है वो याद रखना है, कोंडागांव से दो नदियों का उद्गम होता है, एक नारंगी और एक है बोर्डिंग, बोर्डिंग नारंगी और बोर्डिंग। तो नारंगी नदी के तट पर स्थित है कोंडागांव शहर। तो ये दो नदी याद रखने, नारंगी और बोर्डिंग कहाँ बहती है, कोंडागांव में बहती है। और कोंडागांव जो शहर है, जो कोंडागांव जगह है वो नारंगी नदी के तट पर स्थित है। तो ये कुछ फैक्ट्स अपने को याद रखना है कोंडागांव जिले को लेकर। अब हम आगे देखते हैं अपना बस्तर जिला। जैसे ही हम नेशनल हाईवे नंबर 30 में आगे जाते हैं तो कोंडागांव को जैसे ही क्रॉस करते हैं अपन, कोंडागांव को क्रॉस करने के बाद अपने को जो
जगह मिलता है वो है, हम बस्तर जिला में जैसे ही प्रवेश करते हैं कुंडा गांव के बाद NH 30 में, उसके बाद सबसे पहला स्थल पड़ता है बस्तर। बस्तर जो है वो तहसील है, और इस बस्तर संभाग, बस्तर रियासत और इस पूरे बस्तर क्षेत्र का सबसे प्रमुख स्थल है, सबसे पुरातत्व ऐतिहासिक स्थल है, तो बस्तर को याद रखना है। यहीं आयोजित किया जाता है बस्तर दशहरा। इसके बाद हम देखते हैं बस्तर के बाद देखते हैं जगदलपुर। NH 30 में ही हम जैसे ही जाते हैं तो अपने को पड़ता है जगदलपुर। जगदलपुर से हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो वो जो है NH 63, वो उससे हम पहुँच जाते हैं उड़ीसा। NH 63 में हम जाते हैं तो उड़ीसा पहुंच जाते हैं। वहीं NH 60 में हम राइट साइड जाते हैं तो अपन पहुंच जाते हैं दंतेवाड़ा। तो ये जिले, ये जो NH 30, NH 63, NH 63 और नीचे जैसे जाएंगे वो NH 30 रहेगा। तो ये इसमें हम जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे सुकमा जिला। तो ये रोड को याद रखना है आपको, इसीलिए ये चारों रोड एक जगह मिलते हैं, इसीलिए जगदलपुर को जो है चौराहों का शहर कहा जाता है। जगदलपुर को चौराहों का शहर कहा जाता है, चौराहों का शहर कहा जाता है। तो अपन ये देखते हैं कि जो बस्तर है वो हम NH 30 में जाते हैं तो सबसे पहले अपने को बस्तर पड़ता है, उसके बाद अपने को पड़ता है जगदलपुर। जगदलपुर जो है चौराहों का शहर के नाम से जाना जाता है। ये काकती डायनेस्टी की राजधानी रही है, इसे जो बस्तर रीजन है उसका सबसे महत्वपूर्ण शहर है, एक नगर निगम है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज स्थित है, यहाँ दंतेश्वरी माई के नाम से एयरपोर्ट बनाया गया है। इसके अतिरिक्त झाड़ा सीधा के नाम से यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित है, जिसका नाम पहले शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज था और वर्तमान सरकार ने उसका नाम परिवर्तित करके झाड़ा सीधा इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया है। तो ये याद रखना है कुछ फैक्ट्स जो हैं जगदलपुर से रिलेटेड। यहाँ पर दलपत देव सागर स्थित है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वेटलैंड यानी कि सबसे बड़ा झील है। मानव निर्मित सबसे बड़ा झील कौन सा है कहने से दलपत सागर जो है वो जगदलपुर में स्थित है। तो ये और इसके अलावा कुछ फैक्ट्स और अपने को याद रखने हैं। 1982 में यहाँ एक निजातीय म्यूजियम बनाया गया, निजातीय म्यूजियम। निजातीय म्यूजियम कहने का तात्पर्य है जो हमारे आदिवासी संस्कृति है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उसको आप एक संग्रहालय के माध्यम से देख सकते हैं। उनकी खान पान, उनके रहन सहन, उनके औजार, उनके संस्कृति के जैसे वाद्य यंत्र या फिर जो वो बर्तन यूज करते थे, वो एक जगह जो संग्रहित किया गया है उसको कहते हैं निजाती म्यूजियम, जिसको 1982 में बनाया गया था। तो ये फैक्ट्स याद रखने हैं। इसके अलावा हमको कुछ और फैक्ट्स याद रखने हैं, जैसे कि जगदलपुर जो है वो जगतूगुड़ा के नाम से, जगतू महाराज जिसे कहा जाता था उसके नाम से इसको शहर को जगदलपुर कहा गया। ये काफ़ी प्राचीन किंवदंती है तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ दलपत देव सागर है। इसके अलावा यहाँ सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी कहाँ है स्थापित है कहने से जगदलपुर में स्थापित है। एकमात्र वन प्रशिक्षण विद्यालय यहाँ पर स्थापित है। हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है जहाँ ट्राइब से रिलेटेड जितने भी आर्ट एंड कल्चर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, जो भी उनके द्वारा शिल्प का प्रयोग किया जाता है उसको एक इंटीग्रेटेड फॉर्म पे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में बनाया गया है। यहाँ पर डियर पार्क बनाया जा रहा है, फूड पार्क बनाया जा रहा है, और दो जगह अपने को याद रखना है, नारायण पाल और ढिलमिली, ये दोनों जो है केंद्र संरक्षित स्मारक है। नारायण पाल का जो विष्णु मंदिर है काफ़ी प्रसिद्ध है, इसको केंद्र सरकार ने केंद्र संरक्षित स्मारक का दर्जा दिया है। केंद्र संरक्षित स्मारक वो होते हैं जहाँ पर जो विशेष क्षेत्र होते हैं या विशेष जो ऐतिहासिक या पुरातात्विक स्थल होते हैं जिसका संरक्षण का दायित्व जो है केंद्र सरकार अपने और आर्कियोलॉजिकल साइट्स के द्वारा करती है, उसको कहते हैं केंद्र संरक्षित स्मारक। तो इसमें ढीलमिली का मृतक स्तंभ है और नारायण पाल का विष्णु मंदिर है। तो ये दो चीज़ें अपने को याद रखनी है। इसके अलावा अपन खनिज में देखते हैं तो जो बस्तर है वहाँ बॉक्साइट मिलता है, अभ्रक मिलता है, चूना पत्थर मिलता है और हीरा मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें अपने को याद रखनी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो बस्तर के कुछ तहसील हैं उसको मैं आपको मैप के माध्यम से बताना चाहूँगा। सबसे पहले बस्तर, उसके बाद जगदलपुर, उसके बाद दरभा। जैसे ही दरभा हम क्रॉस करते हैं तो झीरम घाटी आता है जो सुकमा क्षेत्र में आता है। हम राइट साइड जाते हैं तो ये अपने को पड़ता है बकावन क्षेत्र, ये लोहांडी गुड़ा क्षेत्र है और ये तोकापाल विशेषकर हीरा के लिए प्रसिद्ध है और यहीं पर बस्तनार है। तो ये सात तहसील अपने को याद रखना है। तोकापाल जो है वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। लोहांडी गुड़ा आप जानते होंगे कि काकती शासक जो महाराजा प्रवीण चंद्र भंदेव थे उनकी रचना थी लोहांडी गुड़ा तरंगिनी। तो ये याद रखना है अपने को लोहांडी गुड़ा। अपने को याद रखना है कि जो बकावन वाला क्षेत्र है वहां पर स्थित है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क जिसको बनाया गया था 1982 में।
ये एक नेशनल पार्क है, छत्तीसगढ़ का 3 नेशनल पार्कों में सबसे छोटा नेशनल पार्क है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। यहीं पर कांगेर नदी बहती है जिसकी सहायक नदी है मुंगाबहार, जिसमें तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। तो ये याद रखना है कांगेर घाटी यहीं पर स्थित है। कुटुम्बसर की गुफा, कुटुम्बसर गुफा को अपने को याद रखना है कहाँ स्थित है, कांगेर घाटी में स्थित है। एक नेशनल पार्क है, यहाँ तीरथगढ़ जलप्रपात है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो अपने को याद रखने हैं। इसके अलावा हम जैसे ही आगे जाएंगे तो बस्तर को हम बेसिकली जानते हैं कि पर्यटन के लिए, पर्यटन में जैसे यहाँ इको टूरिज्म है, इको टूरिज्म के साथ साथ यहाँ गुफाएं हैं। गुफाओं में याद रखने हम कुटुम्बसर के बारे में देखे कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क में है। इसके अलावा दंडक, कैलाश, गीत, करपन, देवागिरी और अरण्यक, अरण्यक स्पेशली याद रखना है, अभी काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले दिनों में। तो ये चीज़ें याद रखनी है, कुटुम्बसर गुफा, दंडक गुफा, कैलाश गुफा, गीत गुफा, करपन गुफा, देवागिरी गुफा और अरण्यक गुफा। तो ये एक बस्तर के बारे में बेसिकली एक लेआउट था जिसमें हम आगे चलकर अलग अलग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हम अगले स्लाइड में देखते हैं, हम देखते हैं चित्र के माध्यम से कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। ये जो है अपना चित्रकूट जलप्रपात है जहाँ पर काफ़ी अच्छे रिसोर्ट्स बने हुए हैं जो पर्यटन के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके माध्यम से यहाँ पर जो रिसोर्ट बनाए गए हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और आप अगर चित्रकूट जाते हैं तो जरूर यहाँ विजिट कीजिए। इसके अलावा हम जानते हैं कि बस्तर को बेसिकली बस्तर दशहरा के नाम से जो काफ़ी धूमधाम से आयोजित किया जाता है, 75 दिनों का एक फेस्टिवल होता है, विश्व का सबसे लंबा चलने वाला त्यौहार है। तो अपने को याद रखना है बस्तर दशहरा कहाँ आयोजित किया जाता है, जगदलपुर बस्तर में, है ना। इसके अलावा हम देखते हैं कि बस्तर में NMDC के द्वारा स्थापित स्टील प्लांट है जो कहाँ स्थित है, नगरनार, नगरनार में स्थित है NMDC का स्टील प्लांट। तो ये अपने को याद रखना है कि NMDC का स्टील प्लांट कहाँ स्थित है, नगरनार बस्तर में स्थित है। ये कुटुम्बसर की गुफा है, काफ़ी प्रसिद्ध गुफा है, पर्यटन के लिए काफ़ी अच्छा स्थल है। तो ये याद रखना है कि कुटुम्बसर की गुफा कहाँ स्थित है, तो वो बस्तर में स्थित है। इसके अलावा हम देखें कांगेर घाटी नेशनल पार्क 1982 में बनाया गया था, तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क अपने को याद रखना है कि 1982 में बनाया गया था। इसके अलावा हम अगले स्लाइड में देखते हैं, तो जैसे ही हम बस्तर की झीरम घाटी को क्रॉस करते हैं, दरभा घाटी को क्रॉस करते हैं, उसके बाद पड़ता है झीरम घाटी। झीरम घाटी से चालू होता है सुकमा तहसील। सुकमा तहसील जैसे ही चालू होता है तो हम देखते हैं कि सुकमा जो है 2012 में दंतेवाड़ा से पृथक करके एक नवीन जिला बनाया गया था। तो 2012 में जिला बना, कहाँ से अलग होकर बना, दंतेवाड़ा से अलग होकर बना। इसमें कितने तहसील हैं याद रखना है अपने को, एक तहसील है छिंदगढ़, एक सुकमा, कोंटा और गादीरास, ये नवीन तहसील है याद रखना है गादीरास। तो अपन देखते हैं कि जो सुकमा वाला क्षेत्र है उसमें सबसे पहले हम NH-30 पर जाते हैं, तो अपने को पड़ता है जैसे ये सुकमा, बेसिकली सुकमा का एक मैप बना देता हूँ मैं, है ना। तो ये जो है अपन जैसे ही NH-30 में जाते हैं, NH-30 में हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले अपने को पड़ता है छिंदगढ़ क्षेत्र याद रखना है अपने को दोस्तों, एक तहसील है। और इसके अलावा छिंदगढ़ में जो है वो गोबर बोहरानी फेस्टिवल काफ़ी बढ़िया तरीके से मनाया जाता है। गोबर बोहरानी फेस्टिवल ये होता है कि जैसे हम स्पेन में देखते हैं टोमेटिनो फेस्टिवल होता है, वैसे जिसमें टमाटर का उपयोग किया जाता है, एक दूसरे को लगाया जाता है, एक दूसरे पर फेंका जाता है, वैसे ही गोबर के माध्यम से जो आदिवासी भाई बहन है वो काफ़ी अच्छा एक त्यौहार मनाते हैं जिसको बोलते हैं गोबर बोहरानी त्यौहार। इसको हम आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। याद रखना है छिंदगढ़ तहसील में स्पेशली मनाया जाता है गोबर बोहरानी जो फेस्टिवल है सुकमा जिले में। इसके बाद हम आगे जाते हैं तो अपने को पड़ता है सुकमा जो है जिला मुख्यालय है, उसके बाद हम आगे जाएंगे तो अपने को पड़ता है कोंटा जो है वो दक्षिणतम भाग है। ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणतम भाग कौन सा है, कोंटा तहसील कहाँ पड़ता है, सुकमा में पड़ता है, और यहीं पर बहती है सबरी नदी जिसे कोलाब नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल उड़ीसा है और इसे सबरी या कोलाब नदी के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर कोंटा में ही एक छत्तीसगढ़ का एकमात्र जलीय मार्ग कहाँ है, सुकमा के कोंटा तहसील में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, सबरी नदी पर, और इसी सबरी नदी पर यहाँ एक गुप्तेश्वर जलप्रपात। तो ये कुछ फैक्ट्स अपने को याद रखने हैं कि गुप्तेश्वर जलप्रपात जो है वो कोंटा तहसील में सुकमा में स्थित है, किस नदी पर स्थित है, सबरी नदी पर स्थित है। इसके अलावा एकमात्र राज्य का जलीय मार्ग कहाँ स्थित है, कोंटा तहसील में स्थित है ये भी, है ना, जिसे कोलाब नदी के नाम से जाना जाता है। और सबरी नदी के बारे में एक और चीज़ याद रखना है कि
कहा जाता है कि इसके जो नदी के जो रेत के कण हैं उसमें सोने के अवशेष पाए जाते हैं, तो इसके लिए भी प्रसिद्ध है कि सबरी नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, है ना। इसके बाद हम देखते हैं गादीराज जो है वो नया तहसील बनाया गया है। इसके अलावा हम कुछ और फैक्ट्स देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि जो सुकमा क्षेत्र है वो टीन के लिए विशेष प्रसिद्ध है, टीन, अभ्रक, चूना और कोरंडम के लिए प्रसिद्ध है। तो खनिज के तौर पर देखते हैं अपन टीन, अभ्रक, चूना और कोरंडम। तो खनिज कौन कौन सा मिलता है, टीन, अभ्रक, चूना और कोरंडम। उसके अलावा जलप्रपात अपन गुप्तेश्वर जलप्रपात सबरी नदी पर देख लिए, एक रानी दरा जलप्रपात है, एक मलगेर इंदुल जलप्रपात है, ये दोनों मलगेर इंदुल एक जलप्रपात है ना। इसके अलावा प्रतापगिरी है और दुर्मा, ये जलप्रपात हैं कुछ जो हैं वो सुकमा जिले में स्थित हैं। इसके अलावा हम एक और फैक्ट देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं दंडकारण्य क्षेत्र में राम भगवान ने अपने वनवास के कुछ समय व्यतीत किए, तो दो स्थल अपने को याद रखना है, एक रामाराम याद रखना है और एक इंजरम याद रखना है। रामाराम इंजरम कहाँ स्थित है, सुकमा जिले में है, ये रामायणकालीन स्थल है और यहाँ पर रामाराम का मेला आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है, नवाघानी पर्व के अवसर पर रामाराम का मेला आयोजित किया जाता है। और एक याद रखना है अपने को, चिटमिन माता का मंदिर, चिटमिन माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखना है अपने को सुकमा में स्थित है। तो ये सब चीज़ें अपने को याद रखनी है, रिमाइंड करके रखना है और उसको जो पीडीएफ रहेगा उसको आप एक मैप बनाइए, स्पेशली एक कॉपी बनाइए, उसमें एक मैप बनाइए और मैप में इन सब चीज़ों को लिखिए, वीडियो को देखिए, दो तीन बार वीडियो को देखिए और कंटिन्यू कोशिश कीजिए कि ये आपको रटा जाए, ताकि जो आगे आने वाले क्लासेस हैं उसमें हम इसको काफ़ी अच्छे से समझ पाएँ, इसका जो डिटेल है वो हम ले पाएँ। इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं दोस्तों दंतेवाड़ा के बारे में। दंतेवाड़ा के बारे में हम जानते हैं कि 1998 में इसको बस्तर से पृथक करके जिला बनाया गया और 2003 में इसका नाम परिवर्तित करके दक्षिण बस्तर रखा गया, है ना। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा इसका पूरा जिला का पूरा नाम है। कब नाम परिवर्तित किया गया, 2003 में। तो ये याद रखना है कहाँ से पृथक करके बनाया गया था इसे जिला, बस्तर से, है ना, बस्तर से पृथक करके जिला बनाया गया था। और इसमें हम देखते हैं मैप के थ्रू कि हम देखें कि जैसे ही हम NH-63 में जगदलपुर से आगे निकलते हैं, जगदलपुर के बाद तोकापाल क्षेत्र पड़ता है बस्तर का, उसके बाद जैसे ही हम दंतेवाड़ा में प्रसिद्ध पहुंचते हैं तो सबसे पहला स्थल पड़ता है गीदम, है ना। गीदम के बारे में याद रखना है कि कहा जाता है कि यहीं से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की शुरुआत हुई, नक्सलवाद की शुरुआत हुई, है ना। तो नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ हुई छत्तीसगढ़ में, तो अपने को याद रखना है गीदम। गीदम एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, हम रामायण में देखते हैं कि जो जटायु है, जटायु के नाम से भी गीदम काफ़ी प्रसिद्ध है, गिद्धराज जटायु के नाम से गीदम नाम पड़ा था। तो ये याद रखना है अपने को, गीदम नक्सलवाद का प्रारंभ हुआ था। इसको आप मेंस में अगर नक्सलवाद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं या ऐसे आते हैं तो उसमें डायरेक्ट कोट कर सकते हैं, या व्यापम के एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, गीदम नक्सलवाद का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो गीदम, है ना। इसके बाद ये NH-63 में हम जैसे ही आते हैं तो एक स्टेट का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, स्टेट का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है NH-63, ये जो 12 किलोमीटर का है, इसमें हम 12 किलोमीटर जाते हैं तो अपने को पड़ता है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, है ना, ये याद रखना है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है, एक तो जिला मुख्यालय है, सबसे पहला चीज़ याद रखना है कि ये जिला मुख्यालय है। इसके अलावा देखते हैं कि हम यहाँ 13वीं सदी में डंकनी संखनी नदी के पर, डंकनी संखनी नदी के तट पर माँ दंतेश्वरी के मंदिर का निर्माण किया गया था, जिस गांव का नाम है ताराला, ताराला ग्राम में डंकनी संखनी नदी के तट पर दंतेश्वरी माता के मंदिर का निर्माण, दंतेश्वरी माता मंदिर निर्माण काकती शासक अन्नम देव ने करवाया था, काकती शासक अन्नम देव। तो ये एक फैक्ट आपको याद रखना है कि ताराला ग्राम में दंतेश्वरी माता का मंदिर है जो डंकनी संखनी नदी के तट पर स्थित है। तो ये याद रखना है, 13वीं शताब्दी में बना था दंतेवाड़ा। इसके अलावा हम देखते हैं दोस्तों दंतेवाड़ा के समीप ही स्थित है एक जावंगा। काफ़ी लोग इसके बारे में सुने ही होंगे, जावंगा जिसे अटल एजुकेशन सेंटर घोषित किया गया, अटल एजुकेशन सेंटर क्या है, आप जानते होंगे कि हमारे एक एक्स आईएएस ऑफिसर थे ओपी चौधरी सर, उनके द्वारा ये डिज़ाइन किया गया था, यहाँ जो है एजुकेशन सेंटर बनाया गया था, सुदूर नक्सलवाद क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार के लिए एक जो सिटी बनाया गया था जिसे आज अटल एजुकेशन सेंटर कहा जाता है। यहाँ पर स्पेशली स्थित है नन्हे परिंदे, छू लो आसमान, आपका आस्था, निष्ठा, प्रयास,
युवा केंद्र स्थित है, यहाँ BPO चलाया जा रहा है, इसके अलावा यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है, लाइवलीहुड कॉलेज है। तो ये कंप्लीट पैकेज है जो नक्सल क्षेत्र में युवाओं वहाँ के जो भविष्य बनाना चाहते हैं शिक्षा क्षेत्र में, रोजगार प्राप्ति क्षेत्र में, उनके लिए एक बेहतर अवसर प्रदान किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। तो ये अपने को याद रखना है जावंगा सिटी अटल एजुकेशन सेंटर है ना, इसको आप अभी दोस्तों अभी आपने मेंस का पेपर देखा ही होगा 2021 जो मेंस हुआ था उसमें एक ऐसे आया था दंतेवाड़ा की उपलब्धियों के ऊपर, तो हम इस सब चीज़ों को उसमें लिख सकते हैं कि जावंगा अटल एजुकेशन जो सेंटर है इसके बारे में डिटेल में डिस्क्राइब कर दें कि उसका क्या कॉन्सेप्ट रहा है। इसके अलावा अपन जो NMDC देखते हैं, NMDC बेलाडीला, किरंदुल, बड़े बचेली, उसके माध्यम से क्या विकास किया जा रहा है इस क्षेत्र में। इसके अलावा हम देखते हैं कि लोन वर्राटू जो अभी एक मुहिम चलाया जा रहा है, आपको एक चीज़ और याद रखना है लोन वर्राटू जो है वो इसका एक गोणी शब्द है, बेसिकली एक गोणी शब्द है लोन वर्राटू, जिसका आशय है घर वापसी। नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए दंतेवाड़ा जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा लोन वर्राटू मुहिम चलाया गया, घर वापसी इसका जो सराहना है वो केंद्र स्तर पर किया गया था। तो ये याद रखना है लोन वर्राटू मुहिम क्या है और कहाँ चलाया गया दंतेवाड़ा में, है ना। तो ये सब चीज़ें दंतेवाड़ा में देखना है, जावंगा देखना है, लोन वर्राटू देखना है। इसके अलावा और कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे आप लोग सुना होगा कि जो दंतेवाड़ा का ऑर्गेनिक चावल है, ऑर्गेनिक चावल या ऑर्गेनिक पूर्णतः जैविक जो कोदो कुटकी है या चावल है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, तो वो याद रखना है जैविक के लिए बेस्ट जिला कौन सा है छत्तीसगढ़ में, तो दंतेवाड़ा। तो ये जैविक मॉडल को याद रखना है दंतेवाड़ा का, एक डेनेक्स ब्रांड है जो वहाँ की स्व सहायता समूह की महिलाएँ हैं उनके द्वारा एक जो ब्रांड चालू किया गया है डेनेक्स, जिसके माध्यम से कपड़े बनाए जा रहे हैं जो विदेशों तक एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो ये याद रखना है डेनेक्स ब्रांड, याद रखना है लोन वर्राटू, जावंगा, जैविक मॉडल जो है बीच दंतेवाड़ा का। तो ये सब चीज़ें दंतेवाड़ा में याद रखनी है। तो हम दंतेवाड़ा गए, उसके बाद हम दंतेवाड़ा से जैसे ही नीचे आते हैं तो अपने को पड़ता है किरंदुल और बड़े बचेली। किरंदुल और बड़े बचेली को याद रखना है कि यहाँ NMDC का आयरन ओर का माइंस है। NMDC का जो दो बड़े माइंस है, एक है किरंदुल और एक है बड़े बचेली, जहाँ पर NMDC के द्वारा आयरन का उत्खनन किया जाता है। उत्खनन करने के बाद इसे रेलवे के माध्यम से जो है विशाखापट्टनम पोर्ट भेजा जाता है, जहाँ भारत और जापान सरकार 1998 में ट्रीटी किया गया था भारत और जापान सरकार के द्वारा, जिसके तहत जो बेलाडीला का आयरन ओर्स है वो डायरेक्ट जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये याद रखना है, ये रेलवे लाइन से कनेक्ट है, ये याद रखना है। तो इसी रेलवे लाइन से कनेक्टेड में आप दो चीज़ें और देख सकते हैं दोस्तों, एक आकाश नगर जो अभी पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी विकसित हो रहा है, छत्तीसगढ़ का हिल स्टेशन भी कहा जा सकता है इसको, आकाश नगर और कैलाश नगर। तो ये दोनों कहाँ स्थित है कहने से आपको याद रखना है कि ये दोनों जो शहर हैं, मतलब दो जगह जो हैं वो हिल स्टेशन है, पर्यटन स्थल जो भी कहें, वो दोनों स्थित है दंतेवाड़ा में। तो ये अपने को याद रखना है कि दंतेवाड़ा में कैलाश नगर और आकाश नगर दो जगह स्थित है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये कटे कल्याण है जो टीन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, सर्वाधिक मात्रा में टीन अगर कहीं मिलता है, सर्वाधिक मात्रा में टीन तो वो कहाँ मिलता है, कटे कल्याण में मिलता है। तो ये याद रखना है सर्वाधिक टीन कहाँ मिलता है, कटे कल्याण में। इसके अलावा यहाँ कोरंडम भी पाया जाता है। तो दंतेवाड़ा में याद रखना है अपने को खनिज में, दंतेवाड़ा में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, एक है लोह अयस्क जिसका क्षेत्र है बेलाडीला और बड़े बचेली, इसमें आपको एक और नाम याद रखना है किरंदुल क्षेत्र याद रखना है। इसके अलावा टीम के लिए कटे कल्याण अभी बताया आपको और एक बचेली याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा हमने देखा एजुकेशन सिटी जो है वो जावंगा, ठीक, इसको काट देना है, गिदम अलग से है ना। तो जावंगा में अटल एजुकेशन सिटी है वो याद रखना है, वहाँ छू लो आसमान, नन्हे परिंदे, आस्था, प्रयास, ये सब युवा सेंटर जो है काफ़ी बनाए गए हैं। और सबसे छोटा नेशनल हाईवे जो है वो NH-63A है जो 12 किलोमीटर का है, जो कहाँ है वो स्थित है दंतेवाड़ा में, ये याद रखना है अपने को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने को अच्छे से याद रखनी है दंतेवाड़ा के लिए, दंतेवाड़ा पर एक स्पेशली ऐसे पूछा जा चुका है, तो हम इस सब चीज़ों को इंटीग्रेट करके एक ऐसे भी लिख सकते हैं, साथ ही इसको प्रीलिम्स या वैपम की जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें डायरेक्ट हम इससे क्वेश्चंस ले सकते हैं और बना सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और याद रखनी है दोस्तों, अभी लेटेस्ट में राज्य सरकार के द्वारा टेकनार औद्योगिक क्षेत्र जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है, दंतेवाड़ा में। तो टेकनार को याद रखना है, लोन वर्राटू याद रखना है, जावंगा जैविक मॉडल याद रखना है, डेनेक्स ब्रांड याद रखना है ना, दंतेश्वरी माता का मंदिर स्पेशली याद रखना है। तो ये सब चीज़ें आपको दंतेवाड़ा से याद रखनी है ना।
ठीक है दोस्तों, हम अब अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये कुछ फोटोज हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दंतेवाड़ा से रिलेटेड है। ये है माता दंतेश्वरी का मंदिर, माता दंतेश्वरी जो काकती वंश की आराध्य देवी है, पूरे बस्तर की आराध्य देवी है, साथ ही हमारी छत्तीसगढ़ की एक आराध्य देवी है, माँ दंतेश्वरी, दंतेश्वरी पीठ स्थापित है यहाँ, तो ये याद रखना है। इसके अलावा हम देखें कि NMDC का जो आयरन ओर का माइंस है, किरंदुल, बड़े बचेली, या फिर आपने सुना होगा कि माइंस नंबर 13, कुछ साल, 2 साल पहले जो है आदिवासियों ने एक आंदोलन किया था कि NS-30 में उनके आराध्य देव हैं, तो इस क्षेत्र को आयरन ओर माइंस से हटाया जाए, इस क्षेत्र में आयरन ओर की खुदाई ना की जाए, तो याद रखना है 13 ब्लॉक याद रखना है अपने को। इसके अलावा ये बारसूर याद रखना है दोस्तों, एक चीज़ें हम मिस कर दिए यहाँ। इसके अलावा जब हम गीदम से ऊपर जाते हैं तो हम देखते हैं बारसूर एक जगह है, बारसूर जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। बारसूर जो है वो छिंदक नागवंशी शासकों के द्वारा, छिंदक नागवंशी शासक थे मधुरांतक देव धारावर्ष, उनके जो सेनापति थे, उनके सेनापति चंद्रादित्य द्वारा, वो यहाँ पर उनके द्वारा कुछ मंदिर बनाए गए थे, जिसमें बत्तीसा मंदिर, चंद्रादित्य दितेश्वर महादेव मंदिर है ना, बड़ा गणेश की प्रतिमा या ढोलकल प्रतिमा, तो ये सब प्रतिमाएं यहीं स्थित हैं बारसूर में। और ढोलकल का आजकल हम एक फोटो देखते हैं सोशल मीडिया पे, जो सेल्फी पॉइंट बन चुका है आजकल ढोलकल गणेश की प्रतिमा, वो भी बीजापुर सॉरी दंतेवाड़ा में ही स्थित है। तो ये अपने को याद रखना है कि दंतेवाड़ा में ढोलकल है, बारसूर है, बारसूर में प्रतिवर्ष महोत्सव का आयोजन कहते हैं बारसूर महोत्सव, जहाँ पर डांस आयोजित किया जाते हैं, आदिवासी डांस, आदिवासी कल्चर्स को प्रमोट किया जाता है, तो काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है बारसूर के माध्यम से कि आदिवासी जो कल्चर है उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो अपने को याद रखना है कि बारसूर जगह है, तो उसी से रिलेटेड है ये बारसूर का बत्तीसा मंदिर, ये 32 खंभों पर खड़ा है, इसीलिए इसका नाम बत्तीसा मंदिर कहता है। और ये वही जो सेल्फी पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, भगवान गणेश की प्रतिमा जिसे ढोलकल गणेश कहा जाता है, तो ये याद रखना है कि ढोलकल गणेश की प्रतिमा भी दंतेवाड़ा में स्थित है। और ये याद रखना है काफ़ी बढ़िया हिल स्टेशन है आकाशनगर, आकाशनगर काफ़ी सुंदर है, यहाँ पर आप जा सकते हैं घूमने के लिए जब भी आपका बस्तर जाना होगा। तो ये कुछ चीज़ें अपन देख ली हैं मैप के माध्यम से, कुछ चीज़ें देख रहे हैं फोटो के माध्यम से। मेरा इस तरह का रिप्रेजेंटेशन करने का मकसद ये है दोस्तों, इसके माध्यम से हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं, और चीज़ें जब हम याद रखते हैं उसको हम अपने अंदर आत्मसात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में सामने आता है। मैंने अपना जो 5 प्रीलिम्स निकाला है, इन्हीं सब पढ़ने के तरीकों के माध्यम से मैंने कंटिन्यू एफर्ट्स लगाए हैं और चीज़ें थोड़ी थोड़ी जोड़कर रिमाइंड किए। एक साथ हम बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते, इसलिए आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़िए, कुछ अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट कीजिए, कुछ मैथ देखिए, जगह घूमिए, फोटोज़ देखिए, सोशल मीडियाज़ पर देखिए, लोगों के माध्यम से चर्चा के विषय जो रहे हैं उन पर डिस्कशन कीजिए। इससे ही आपका आगे जो इम्प्रूवमेंट है वो होगा, और आपका निसंदेह ही प्रीलिम्स भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा, और आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा, आपका सकारात्मक रिजल्ट रहेगा, आप चयनित होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोस्तों बीजापुर के बारे में। बीजापुर जो है वो जैसे ही हम यहाँ दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, ये दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में अपन जैसे ही नेशनल हाईवे नंबर 63, हम नेशनल हाईवे नंबर 63 को जगदलपुर से पकड़े थे, जगदलपुर से पकड़े फिर अपन उसमें दंतेवाड़ा पहुंचे, दंतेवाड़ा में गीदम पड़ा, फिर गीदम से जैसे ही अपन घुसते हैं आगे, गीदम से जैसे ही हम आगे जाते हैं तो अपने को बीजापुर पड़ता है। तो बीजापुर में अपने को याद रखना है कि NS-63 में सबसे पहले पड़ता है भैरमगढ़ तहसील। भैरमगढ़ तहसील जो है काकती शासक भैरमदेव के नाम से बसाया गया जगह है, जिसको भैरमगढ़ कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बीजापुर जो है जिला मुख्यालय है। इसके बाद हम देखते हैं एकदम पश्चिमी तहसील जो है भोपालपट्टनम, जहाँ पर भोपालपट्टनम के पास ही एक जगह स्थित है भद्रकाली, भद्रकाली। हम देखते हैं कि जो इंद्रावती नदी है, जो बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है जिसे इंद्रावती नदी, वो बहते हुए आती है, और इधर त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र बहते हुए आती है गोदावरी नदी, तो ये दोनों जहाँ पर संगम होता है उस क्षेत्र को कहा जाता है भद्रकाली, भद्रकाली। और ये कहाँ स्थित है, भोपालपट्टनम तहसील में स्थित है, कौन से जिले में स्थित है, बीजापुर जिले में स्थित है। तो अपने को याद रखना है भद्रकाली जगह देखना है अपने को, भोपालपट्टनम है ना, तो ये चीज़ें अपने को याद रखनी है। इसके अलावा हम देखते हैं उसूर, एक तहसील है उसूर है ना, अपने को देखते हैं कि भोपालपट्टनम, बीजापुर, भैरमगढ़, उसके बाद एक तहसील है उसूर जो कि दक्षिणतम तहसील है बीजापुर जिले का है ना, तो ये याद रखना है, 4 तहसील याद रखने हैं। और एक लेटेस्ट में यहाँ पर एक तहसील बनाया गया है जो अभी अपडेट नहीं हुआ है, गंगालूर तहसील, गंगालूर जगह, गंगालूर तहसील अगर कहाँ स्थित है कहने से बीजापुर में स्थित है ना,
गंगालूर तहसील को आपको यहाँ पर ऐड करके रखना है ना, गंगालूर तहसील, तो ये याद रखने अपने को गंगालूर तहसील। राजमार्ग याद रखने हैं अपने को NH-63 और NH-163। NH-163 काफ़ी कम मात्रा में गुजरती है, लेकिन याद रखना है कि NH-163 भी बीजापुर से ही गुजरती है। हम NH-63 तो देख ही रहे थे कि जगदलपुर से कंटिन्यू उसी में चल रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भैरमगढ़ तहसील है, भैरमगढ़ तहसील या इंद्रावती से लगा हुआ जो क्षेत्र है वहीं पर स्थित है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क जिसे 1978 में नेशनल पार्क बनाया गया था, ये इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है, इसी के नाम पर इसका इंद्रावती नेशनल पार्क रखा गया था। इसके अलावा इसे 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर बेसिकली दोस्तों उस एक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, टाइगर के साथ साथ उसका जो क्षेत्र है उसमें जो वनस्पति हैं या जो जीव जंतु हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके तहत 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर में इंद्रावती को शामिल किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। टाइगर रिजर्व याद रखना है 2009 में। और अपने को इसमें याद रखना है कि इंद्रावती नेशनल पार्क के अंदर ही इसका जो क्षेत्रफल है वो 1298 किलोमीटर स्क्वायर है, इसका जो बफर एरिया है। तो ये कुछ चीज़ें याद रखनी है, हम इसको नेशनल पार्क वाले चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें और दो तीन फैक्ट देख लेंगे आपको। कुटरू गेम सेंचुरी याद रखना है आपको, जहाँ पर प्राकृतिक तौर पर वन भैंसे पाए जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में दो जगह हैं जहाँ दो एक अभयारण्य है, अचानक मारा अभयारण्य जहाँ टाइगर पाए जाते हैं, और दूसरा अपने को याद रखना है इंद्रावती नेशनल पार्क जहाँ पर टाइगर विद्यमान है। टाइगर मतलब बाघ है ना, रॉयल बंगाल टाइगर जो कहते हैं, है ना। तो ये याद रखना है अपने को, इंद्रावती नेशनल पार्क इंद्रावती के तट पर स्थित है, 1298 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, 1978 में बना, 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल, 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये कुछ चीज़ें इंद्रावती से रिलेटेड अपने को याद रखनी है, है ना। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ दो नेशनल पार्क हैं दोस्तों, एक भैरमगढ़ नेशनल पार्क याद रखना है अपने को, भैरमगढ़ और एक याद रखना है अपने को पामेड़ अभयारण्य, ये दोनों अभयारण्य हैं। तो ये दोनों याद रखने हैं अपने को, 1983 में दोनों को अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। तो ये याद रखने हैं अपने को कि 1983 में दोनों को अभयारण्य बनाया गया था, है ना। भैरमगढ़ और पामेड़ कहाँ स्थित है, बीजापुर में स्थित है। इसके अलावा इंद्रावती नेशनल पार्क स्थित है। तो ये चीज़ें बीजापुर से रिलेटेड हैं। इसमें हम देखते हैं कुछ खनिज पाए जाते हैं बीजापुर में, जैसे कोरंडम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, कोरंडम के लिए उसूर, कुचनूर और धंगोल। ये देखना है अपने को कि कोरंडम का जो क्षेत्र है वो है उसूर, कुछनारपुर और धंगोल। इसके अलावा गार्नेट जो है वो बीजापुर जिले में पाया जाता है, अभी इसका सर्वे हो चुका है बट इसका अभी मतलब जो इसका माइनिंग का काम है वो चालू नहीं हुआ है। इसके अलावा हमने देखा है कि सात धारा जलप्रपात जो है सात अलग अलग धाराओं में इंद्रावती नदी पर स्थित है, तो सात धारा जलप्रपात यहाँ स्थित है। इसके अलावा कुछ गुफाएं जो अभी PSC के पेपर में कंटिन्यू पूछ रही हैं, लंकापल्ली, नड्डापल्ली, आवापल्ली, सकल नारायण, ये जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं दोस्तों, बीजापुर में स्थित हैं, ये याद रखना है। इसके अलावा पहाड़ी कुछ याद रखना है, अलबामा, अलबका, ये बका है अलबका, पोडसपल्ली और गोलापल्ली, पोडसपल्ली, अलबका, अलबामा। आप सभी को ये नाम कुछ तेलुगु से रिलेटेड लग रही होंगी। बीजापुर जो है बेसिकली आंध्र और तेलंगाना की सीमा से लगा हुआ है, इसी कारण जो वर्ड ज़्यादा प्रचलित है वहाँ वो तेलुगु से रिलेटेड है। इसीलिए हमको याद रखना है कि लंकापल्ली, नड्डापल्ली, आवापल्ली, सकल नारायण, अलबामा, अलबका, पोडसपल्ली, गोलापल्ली, है ना। तो ये गुफाएं हैं, पहाड़ियां हैं, भद्रकाली अपन पढ़े थे, भद्रकाली जो जगह है अपन पढ़े थे कि जहाँ पर गोदावरी और इंद्रावती नदी का संगम होता है, उसी के तट पर जो है बसंत पंचमी के दिन एक मेले का आयोजन किया था। तो ये याद रखना है कि बसंत पंचमी का मेला जो है भद्रकाली जगह है जहाँ पर एक मंदिर है काली माता का, वहीं बसंत पंचमी के दिन मेला का आयोजन किया जाता है। तो ये जो है बीजापुर के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, जिसको हम अलग अलग यूनिट वाइज और डिटेल में पढ़ते जाएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारा जो आखिरी जिला है बस्तर संभाग का, जो 2007 में बना था, 2007 में बनाया गया था, इसका जो मातृ जिला था वो बस्तर जिला है ना, बस्तर से पृथक करके इसको जिला बनाया गया था। तो ये याद रखना कि 2007 में बस्तर से पृथक करके नारायणपुर को जिला बनाया गया था। इसमें केवल दो ही तहसील है छत्तीसगढ़ में, सबसे कम तहसील किस जिले में स्थित है अगर क्वेश्चन आता है, तो हम देखते हैं कि नारायणपुर ओरछा है ना, जो नारायणपुर जिले में स्थित है, दो ही तहसील है ना। तो दो तहसील हैं याद रखना है, सबसे कम पॉपुलेशन है
1.39 लाख, सबसे कम पॉपुलेशन अगर कहीं है, सबसे कम 30 जो है जनघनत्व है यहाँ का, जनघनत्व, जनघनत्व से आशय है कि एक किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग निवास करते हैं, तो उसके आधार पर देखते हैं कि 30 जनघनत्व है, 1.3 लाख जनसंख्या है नारायणपुर की, और नारायणपुर बेसिकली प्रसिद्ध है अपने अबूझमाड़ की पहाड़ियों के लिए, है ना। हम देखते हैं अबूझमाड़ की पहाड़ी जो है, ये ओरछा का जो एक भाग है वो पूरा अबूझमाड़ की पहाड़ी है। अबूझमाड़ की पहाड़ी मतलब आप नाम से जानते होंगे कि अबूझमाड़, जिसको अभी तक समझा ना गया हो, अबूझमाड़ यहाँ निवास करते हैं अबूझमाड़िया जनजाति, जो छत्तीसगढ़ या भारत सरकार की विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल है, है ना, जिन जो विकास की मुख्य धारा से दूर है, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाओं से दूर है, अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक एक विरासत है उसके साथ जी रही है, है ना। तो याद रखना है अबूझमाड़िया जो है अबूझमाड़ क्षेत्र में पाया है। अबूझमाड़ क्षेत्र जो है वो सागौन और साल, साल और सागौन की लकड़ियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहीं पर एक खुरसैल घाटी है, खुरसैल घाटी जहां उच्च किस्म के सागौन पाए जाते हैं, याद रखना है खुरसैल घाटी कहाँ है, नारायणपुर में सागौन पाए जाते हैं, अबूझमाड़ की पहाड़ियों में स्थित है। यहीं पर खुरसैल जलप्रपात है, खुरसैल जलप्रपात है, जलप्रपात है ना, ये अपने को याद रखना है, खुरसैल जलप्रपात, खुरसैल घाटी सागौन के लिए प्रसिद्ध है, अबूझमाड़ या अबूझमाड़ क्षेत्र है, और अबूझमाड़ क्षेत्र एकदम डीप फॉरेस्ट होने के कारण इन्वायरमेंटली एकदम उच्च है, इसी कारण यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, 187 सेंटीमीटर जो बारिश होती है, इसी कारण इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, तो अबूझमाड़ क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। वो कहाँ स्थित है, नारायणपुर जिले में स्थित है, कौन से तहसील में स्थित है कहने से ओरछा तहसील में स्थित है, है ना। और ये नारायणपुर देखते हैं हम, नारायणपुर जो एक तहसील है और जिला मुख्यालय, यहीं पर 1985 में जो अपन हम पढ़ते हैं स्वामी आत्मानंद, जिनके नाम पर अभी स्कूल बनाए जा रहे हैं स्वामी आत्मानंद, है ना, इनके इनके द्वारा जो है 1985 में यहाँ विवेकानंद आश्रम, विवेकानंद आश्रम स्थापित किया गया था, है ना। तो ये याद रखना है कि विवेकानंद आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था, तो नारायणपुर में किनके द्वारा किया गया था, स्वामी आत्मानंद के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1985 में किया गया था। और जब आप सेलेक्ट होते हैं, जब पीएससी कोई भी पोस्ट में जाते हैं, तो आपको एक दिन के विजिट के लिए नारायणपुर के विवेकानंद आश्रम लिया जाता है, जहां आप देखते हैं कि किस तरह से निस्वार्थ भाव से जनसेवा किया जा सकता है, जनसेवा क्षेत्र में आप किस किस तरीके से इनोवेशन कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ से दिखती हैं। यहाँ से काफ़ी IITian डॉक्टर्स या फिर सिविल सर्विसेज में सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पढ़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें अपने को याद रखनी है कि स्वामी आत्मानंद के द्वारा विवेकानंद आश्रम बनाया गया था 1985 में, कहाँ स्थित है, नारायणपुर में स्थित है, है ना। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ जलप्रपात हैं, हम खुरसैल जलप्रपात के बारे में देख ही लिए थे, नोगो बाबा, पिंजाडीन और हांदावाड़ा, ये चार जलप्रपात अपने को याद रखना है कि नारायणपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा एक जाटलूर नदी है, जाटलूर नदी क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, यहाँ पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। आप देखते हैं चंबल घाटी जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जहाँ मगरमच्छ पाए जाते हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी अपन देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं, जाटलूर नदी में पाए जाते हैं, है ना। तो ये याद रखना है अपने को, जाटलू नदी मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास है। कुरसेल अपन देख ही लिए थे, उच्च किस्म के सागौन के लिए स्वामी नारायण रामकृष्ण मिशन यहाँ स्थापित है, है ना, रामकृष्ण मिशन स्थापित है, सॉरी ये विवेकानंद आश्रम या रामकृष्ण मिशन वही है, तो इसको आप दोनों नाम से जान सकते हैं। 1985 में स्वामी आत्मानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। और एक कुरसेल जलप्रपात याद रखना है, सागौन याद रखना है, है ना, छत्तीसगढ़ चेरापूंजी का है तो ये याद रखना है, ये सब नारायणपुर के बारे में फैक्ट याद रखना है। 1.33 लाख जनसंख्या है और 30 यहाँ की सबसे कम जनघनत्व है। तो ये नारायणपुर के बारे में बेसिकली एक जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन था वो हो गया है। अब हम बस्तर के सातों जिले के बारे में देख लिए हैं, तो आज का हमारा जो बस्तर संभाग का जो क्लास था वो यहाँ पर सात जिलों के साथ कंप्लीट होता है। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे सरगुजा संभाग के बारे में, उसके जो पांच जिले हैं उसको डिस्क्राइब में देखेंगे। इसके अलावा मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं दोस्तों, हम देखते हैं कि जो कंपटीशन विंग हमारी जो संस्थान है उसके द्वारा CGPSC प्रीलिम्स को देखते हुए एक निःशुल्क टेस्ट सीरीज आयोजित किया जा रहा है, जिसका फेस वन जो है वो पूर्णतः निःशुल्क है, जो अभी चल रहा है, जिसका नेक्स्ट जो एग्जाम है वो सैटरडे कल है, तो इसको आप निःशुल्क तौर पर दे सकते हैं। इसके लिए आपको लिंक जो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल
कंपटीशन विंग के नाम से हमारे टेलीग्राम में चैनल है, जहां आप जाके इसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं और आप निःशुल्क तौर पर इसको दे सकते हैं और आप अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य इनिशिएटिव हमारे संस्थान के द्वारा जो किया जा रहा है वो 28 अगस्त को राज्य स्तरीय ज्ञान समर प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि जो पीएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए 100 क्वेश्चंस का एक प्रश्न पत्र रहेगा जो पूर्णतः निःशुल्क रहेगा, है ना। इसमें आप पंजीयन कराकर टेस्ट देंगे और आप फर्स्ट रैंक अचीव करते हैं तो आपको एक टैबलेट मिलेगा, उसके अलावा स्मार्टफोन भी आपको इसमें मिलेगा।